और तेरे नहीं रहम का काम शिकारी, चुप के तीर चलावे हर रोवन लाग्य सरवन उसके मेरी सुन जाइए, साफ साफ बतला दूंगा एक बात मेरी सुन जाइए। और छूटन में हुए पान मेरे तू मतना तेरे लगाइए, अंधे मात पिता मेरे ने जा कहनी पिलाई, मतना मरा बताइए लाज मेरा चाहता है दुया में, रोवन लाग सरवन उसके खून लाग से जावे, रोवन लाग सरवन उसके खून लाग से जावे। क्या बात है, और दूसरी बात में वो सर्वण कुमार हाथ जोड़ करके राजा दशरथ को समझाता है कि मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके मेरे माता पिता के पास तक ये पानी जरूर पहुंचा दो। क्या बताया दूसरी कली के माध्यम से, और वृक्ष के नीचे धर के कावड़, वृक्ष के नीचे धर के कावड़ तीर लेने आया, बाहरी खुशी हुई उनके में जाई कलो का जाया, बाहरी खुशी हुई उनके में जाई कलो का जाया, और बात पिता ने मेरे कारण कर दिए भारी जुलम शिकारी, चुप कहती चलाया, तने भारी भारी जुलम शिकारी, चुप कहती चलाया, मेरी बेबस होवन बाकी काया रे मेरा मुरझावे, रोवन लाग सरवन उसके खून लाग से जावे, रोवन लाग सरवन उसके दोस्तों। तीसरी कली में बताया
कि मेरे अंधे माता पिता वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात और, उनसे आपको बोलना नहीं, अगर आप बोल पड़े तो वो पानी नहीं पिएंगे। और किस तरह से क्या बताती इस गली के माध्यम से, और माता पिता के आगे मेरे कति बोलिए मत ना, नीर पिलाने से पहले तू पेट खोलिए मत ना, नीर पिलाने से पहले तू पेट खोलिए मत ना, मेरा सत्य काम कर जाए बिना, मेरा सत्य काम कर जाए बिना, कहीं बोलिए मत ना, तू फिर भी जुलम तो लिए मत ना, तेरे श्राप तुझे तू फिर भी जुलम तो लिए मत ना, अरे कच्चा घड़ा छोलिए मत ना, कच्चा कैन धनुका में गोवण लाग सरवन उसके गुण गात से जावे, गोवण लाग सरवन उसके गुण गात से होकर के मास्टर धर्मपाल गुरु जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आइए गुरु जी। और दोस्तों लास्ट कली में हाथ जोड़ करके श्रवण कुमार कहने लगा कि अपने माता पिता का इकलौता सहारा, और आज वो भी आपने उनसे छीन लिया, और किस तरह से लास्ट कली के माध्यम से क्या बताया। और थकने लगा शरीर मेरा, थकने लगा शरीर मेरा, कुछ हाल कहा न जाता, रो रो के मर जाएंगे मेरे आज पिता और माता, रो रो के मर जाएंगे मेरे आज पिता और माता, जब तेरी नदी पे आया था, करता उल्लंघन जब तू तीर चलाता,